अस्सलाम वालेकुम बस की हाल है ता अमीन जी बिल्कुल ठीक ठाक खैर खरीत नाल हो गए। अल्लाह तला तुम पाँच दिन पा सदके हमेशा खुश तो आबाद रखे। अज की रैसपी आप लैके थोड़े वास्ते खंडलियाँ का सालन बेसन का। चलो रैसपी स्टार्ट करने हैं। चलो जी खंडलियाँ बहुत ही मज़ेदार बन दियाँ ने। सालन अगर सब्जी घर में ना हो वेजिटेबल सब्जी चने ना हो अपनी दाला ना हो गोश्त ना हो कोई चीज़ भी ना हो अगर बेसन घर पिया हो तो इदियाँ खंडलियाँ का सालन बना के तुम खावो बनावो तो बड़ा ही मज़ा आएगा। असी तो घर जो ना कुछ हो बहुत मज़े न खाई दा तो अगर तुम पसंद है तो तुम जरूर ये बनायो और बना के घर वालों खुश करो बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है। तो चलो रैसपी आप हम स्टार्ट करने हैं। एक प्याली बेसन दी है नाल नाल ही रहो आप उधर चुल्हे ले जाने। चलो चुल्हा मैं ऑन कर दिता है थोड़ा जहाँ ऑयल पाने पहले बस एक चम्मच जीरा ये आप पाने जीरा अपना ब्राउन हो गया वे हूँ आप अदरक लसन का यह पेस्ट पा दें एक चम्मच प्याज पा देंगे एक गिला डेढ़ गिलास पानी हाफ गिलास हाफ चम्मच सुरख मिर्च हाफ चम्मच नमक हाफ चम्मच हल्दी। चलो जी हूँ आप बेसन पा दें अच्छी तरह इस तरह इस तरह मिक्स करना हरिया मिर्चा भी थोड़िया जी पा दी दो कट के इस तरह अच्छी तरह आप भुन लेना है हरा धनिया इस तरह करके अच्छी तरह देख लो तुसी नॉन स्टिक होना चाहिए वे कढ़ाई हो फ्राई पैन जो भी जिद भी बना रहे हो नॉन स्टिक होना चाहिए वे ताकि नीचे ना लगे आ देख सकते तुसी नहीं नीचे लग रहा। चलो जी हूँ आप किसी प्लेट कट लें इस तरह डिश में पा के इस तरह ना अच्छी तरह प्रेस करके तुसी पतलियां बनाना चाहते हो पतलियां बना सकते हो अगर मोटियां बनाना चाहते हो तो मोटियां भी इस तरह बना सकते हो। मैं इस तरह ही डिश के दरम्यान में जिस तरह जिन्नियां क इस तरह सैट हो गया इन्नियां क बनावांगी। आयल थोड़ा जि लगा लो ना फिर ईजी इस तरह चम्मच फिर जाता इस तरह करके ठंडा हो जाता पखे के नीचे रखने ठंडा करके फिर 5 मिनट वास्ते 10 मिनट वास्ते ना आप फ्रिज रख देंगे उन्हें आप मसाला बाकी का बना लें शोरबे का यानी कि जिस तरह ना आप सालन का शोरबा बनाना है वह वाला मसाला बना लें। चलो जी कढ़ाई उपर रख दी हूँ आप घी पा दें। चलो जी घी पा दिता हूँ आप प्याज चौक किया पा लेंगे नाल ही अदरक लसन प्याज अपना ब्राउन हो गया सी। चलो जी हूँ पा दें टमाटर हरिया मिर्चा बिच ही मैं चॉप कीतियां सी टमाटर भी चॉप किए सी गरम मसाला और तेज पत्ता ये पा दें मसाले दड़ा मिर्च हाफ चम्मच नमक हाफ चम्मच हल्दी हाफ चम्मच मिर्चा एक चम्मच खुशक धनिया पीसया हो चम्मच दही मसाला गाढ़ा करने वास्ते एक चम्मच आप बेसन पा देंगे बेसन हाफ गिलास पानी पा दें मसाला ता के गाढ़ा हो जाए 5 मिनट इनू इस तरह ही आप रख दें उस तो बाद नमक ये कम से थोड़ा जा और पा दें 3-4 हरिया मिर्चा चलो थोड़ा जा धनिया मसाला अपना तैयार हो गया खंडलियाँ ठंडिया होंदिया ने फिर आप पाने थोड़ा जा मैं चिली सॉस पावगी अच्छा थोड़ी जी दही पई सी मैं ना पानी पा के ना तो हरी चटनी पा के वो मिक्स कर दिता वे यदा शोरबा बहुत ही मज़ेदार बनेगा इस तरह ना। चलो जी अपन खंडलियाँ ठंडिया हो गई ने इस तरह कर लेंगे चलो जी आ देख सकते हो इस तरह अगर तुम पसंद आए तो लाइक जरूर करो लाइक और सबसक्राइब बैल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि मेरी हर आने वाली रैसपी तुहाडे तक बार वक्त पहुँचे देख सकते कितने मज़ेदार बहुत ही ईजी सालन है जी हम इस तरह ही आप सारिया देख सकते माशाल्लाह इस तरह 5 मिनट पकावे आप इस तरह बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है तुम घर जरूर बनाए धनिया पा दें फिर तुम ही डिश आउट करके मैं दिखाई है। चलो जी अपना सालन बिल्कुल तैयार है खंडलियाँ का बेसन दिया खंडलियाँ अगर तुम पसंद है तो लाइक जरूर करो अगर उबले चावल लैने तो ठीक है नहीं तो यहोजे पक्के होने तो क्या ही बात है टेस्ट करने हैं।
चलो जी मिलने हैं दूसरी रेसिपी।